मथुरा एसएसपी कार्यालय शिकायत लेकर आई महिला ने मथुरा शहर के कृष्णा नगर स्थित समृद्धि ज्वेलर्स के मालिक और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पैसे मांगने पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। वही इलाका पुलिस पर कार्रवाई ना करने की शिकायत एसएसपी से की गई है। मामला थाना गोविंद नगर क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली कंचन सिंह ने एसएसपी कार्यालय पर एक प्रार्थना पत्र दिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे विशाल और पुत्र वधु और उसके साथ नामजद आरोपियों द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई है। महिला ने कहा है कि बीच बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट की गई और यह सभी आरोप समृद्धि ज्वेलर्स से जुड़े टिंकू अग्रवाल और अन्य नामजद पर लगाए गए हैं। महिला का कहना है कि इलाका की पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। शिकायत है, 21 तारीख को एफआईआर की थी। मेरे बेटे पे जानलेवा हमला हुआ है, समृद्धि ज्वेलर्स टिंकू, उसका भतीजा कृष्णा, और कौन कौन लोग थे? 15 लोग लेके आया था वो, और जानलेवा हमला हुआ है। मेरे घर में घुस करके मेरे कपड़े फाड़ दिए। किसने फाड़े कपड़े? उसने ही फाड़े थे, मालिक आया था टिंकू, समृद्धि ज्वेलर्स टिंकू कृष्णा, और आकर के मेरे बेटे पे जानलेवा हमला हुआ है और आईसीयू में भर्ती रहा है। 3 दिन तो आईसीयू में ही रहा है वो, सिटी हॉस्पिटल में। क्या मतलब पैसे वालों की वो बोए है इसमें है? मेरी एफआईआर भी नहीं चढ़ाई गई है अभी तक। थाना गोविंद नगर है, थाने में भी गए, रोजीना के जा रहे हम, और लाल दरवाजे चौकी है। क्या अभी विवाद था पहले से? कोई विवाद था क्या? क्या हमारे ही पैसे निकल रहे हैं उल्टे उस पर? कम से कम 2-2.5 लाख रुपए निकल रहे हैं अभी। और पैसे के लिए फोन किया तो गुंडों को लेकर आ गया, मेरे बेटे को जानलेवा हमला हुआ है। कितने लोग थे वो लोग? 15 लोग उसमें आ रहे हैं, कैमरा में आ रहे हैं। हाँ, कैमरा में आ रहे हैं, उसकी सारी फोटो निकलवा ली है हमने पूरे सबूत के साथ, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सारे ऊपर से लेके लाल दरवाजे चौकी से लेके ऊपर तक सारे पुलिस वाले बिक चुके हैं। हैं, एक बताओ योगी की सरकार में ऐसा हो रहा है कि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है? पैसों वालों के सामने ऐसा ही होगा गरीबों के साथ? हैं, पैसे वाले तो उन्हें खरीद लेते हैं, हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज 10 दिन हो गए इस बात को, एतवार की घटना थी और आज मंगलवार हो गया है, 10 दिन हो गए। कुछ नहीं मिला, सीओ सिटी से मिले थे, उन्हें कहा कि तुम भुगतो, उन्होंने बोल दिया। सीओ सिटी ने ये बोला है कि तुम भुगतो अपने आप, ये बोला है। ये मैं बोल रही हूँ, ये बात मतलब योगी तक जानी चाहिए कि ऐसा ही होगा योगी के राज में। मथुरा जैसे शहर में ये मतलब कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, इसमें इतना बड़ा वो हो रहा है और योगी जी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। सारे पुलिस वाले बिक चुके हैं इसमें, हैं? क्या गरीबों के साथ ऐसा ही होगा?